नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अमृतास वेज किचन। दोस्तों आज हम दाल वड़ा बनाएंगे, तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। दाल वड़ा बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए आइए देखते हैं। एक कप चना दाल, एक कप मूंग की दाल, ये छिलके वाली मूंग दाल है, एक कप तुअर की दाल और ये एक कप मूंग की दाल बिना छिलके की। सबसे पहले हम इन सारी दालों को मिक्स कर लेंगे। इन सबको धोकर भिगो कर रखना है। ये सारी दालों को हमने धो लिया है, इन्हें हम 3 घंटे के लिए भिगो कर रखेंगे। ये हमारी दालें भीग चुकी हैं, इन्हें हम पीस लेंगे और इन्हें बिल्कुल पतला नहीं पीसना है, इन्हें थोड़ा सा दरदरा पीसना है। ये हमारी दालें पीसकर तैयार है। अब मैं बताती हूँ आपको कि दाल वड़ा बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। ये दालें हैं तुअर दाल 1 कप, 1 कप चना दाल, 1 कप मूंग की दाल और 1 कप छिलके वाली मूंग की दाल, स्वादानुसार नमक, हरी मिर्च और लहसुन की पेस्ट 1 बड़ा चम्मच और 1 चुटकी सोडा। अब हम इस बैटर में हरी मिर्च और लहसुन की पेस्ट डालेंगे, 1 चुटकी सोडा और स्वादानुसार नमक डालेंगे। इसे हम बराबर मिक्स कर लेंगे। देखिए बैटर जो है ये इतना ठीक होना चाहिए। अब हम एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। तेल गरम हो चुका है, अब हम ये दाल वड़ा को फ्राई करेंगे। इन्हें हमें धीमी आंच पर फ्राई करना है ताकि ये अंदर से अच्छे से पक जाए। इन्हें हम हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे।
सूप। देखिए ब्राउन हो चुके हैं, हम इन्हें निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी के दाल वड़ा भी हम फ्राई कर लेंगे। ये हमारे दाल वड़ा बनके तैयार है। हम इसे हरी मिर्च और प्याज के साथ सर्व करेंगे, तो आप भी बनाइए और मुझे बताइए आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। धन्यवाद।